सिद्धार्थ शुक्ला को पंचतंत्र में विलीन होते देख शहनाज गिल दो बार बेहोश हो गई। हम आपको बता दें कि जब सिद्धार्थ शुक्ला को अग्निदाह दी जा रही थी उस समय शहनाज गिल दो बार बेहोश होकर नीचे गिर गई। वहीं पर डॉक्टर्स भी बुलाए गए, उनका चेकअप कराया गया, वो फिर खड़ी हुई और फिर दोबारा सिद्धार्थ को जाते हुए देख वो एक बार और बेहोश हो गई। बहुत ही कठिन समय है शहनाज गिल के लिए ये मानना कि सिद्धार्थ अब उनकी ज़िंदगी में नहीं रहे। सिद्धार्थ को अपना फैमिली मानने वाली शहनाज गिल अब नाज बनकर रह गई, सिद्ध हट गया। जी हाँ, सिद्ध चले गए उन्हें छोड़कर, और जिस पर वो नाज करती थी वो सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर, उन्हें छोड़कर, उनकी फैमिली को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। बहुत ही दर्दनाक कहानी, बहुत ही दर्दनाक अंत। एक अच्छी शुरुआत की थी इन दोनों ने, और शहनाज हर बार ये कहती थी कि मैंने जितना भी सीखा है वो सिद्ध से सीखा है, मैंने जितना भी अपने आप पे कंट्रोल करना सीखा है मुझे सिद्धार्थ ने सिखाया है, सिद्धार्थ ने मुझे जीना सिखाया है, सिद्धार्थ ने मुझे हंसना सिखाया है, सिद्धार्थ ही मेरी पूरी ज़िंदगी थे और है और रहेंगे। बहुत ही दर्द से भरी हुई दास्तां का अंत आज हमें देखने को मिला। अब कब शहनाज इस सकते से बाहर आएंगी, नहीं लगता कि वो जल्द ही इस बात को भूल पाएंगी कि सिद्ध अब नहीं रहे।